हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम आपको जीके जीएस के हर पोर्शन से जोड़कर रखने का पूरा प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे। सीट जो आपका जीके जीएस बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है और आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आगामी ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। सारा सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जितना भी सेट प्रैक्टिस अभी तक करवाया, 125वां ये सेट नंबर है और इसके पहले का जो भी सेट प्रैक्टिस हम करवाए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम से रिलेटेड ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। इसलिए आपका पीडीएफ आप जरूर इसका अवेलेबल करवाइएगा। अब चूंकि पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको लेने में तो कोई हर्ज है नहीं, आपको खुद अपना मेहनत केवल बरकरार रखना है, तैयारी के लिए मेहनत बरकरार रखना है। सफलता कोई एक दिन का मोहताज नहीं होता, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलता है। उसी के साथ ये टेस्ट सीरीज आप रिविजन करिएगा, ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ, विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बता दें कि अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस रेगुलर आप देखते हैं तो आप इसका शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस रेशियो में आपका आंसर भी, एनालिसिस भी हम देने का प्रयास करते हैं जितना कि अप्रोप्रिएट हो सकता है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका ज्यादा लॉन्ग चल जाता है 50 क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी जिस तरह का सोल्यूशन है और उसको हम डिटेल करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है। कुछ एक्स्ट्रा की चीजें को भी हम बताते चलते हैं तो इसके लिए टाइम थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 125 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी के कर्वे समिति का संबंध किस से है? बी के कर्वे समिति का संबंध इनमें से किस से है? चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इनमें से किसका संबंध जी के कर्वे समिति से है? तो पहले देखेंगे बी के कर्वे समिति था क्या। क्लियर, बी के कर्वे समिति का संबंध किस से था? 1955 ईस्वी में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे ही बी कर्वे समिति कहा गया। ध्यान दीजिएगा, बी कर्वे समिति जो है वो 1955 ईस्वी में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति के गठन किया गया, इसी को बी कर्वे समिति कहा गया था। इस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। यही है बी कर्वे समिति। ध्यान दीजिएगा, ग्राम और लघु उद्योग समिति, तो यह लघु उद्योग के विकास से संबंधित एक समिति है जिसका गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, इसे ही कर्वे समिति कहा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटु क्या है? उबंटु क्या है, यह कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। उबंटु जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटु। ध्यान दीजिएगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर लेंगे तो एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, एप्पल का मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स तथा जेनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तल जो होगा आपके जहाज का वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि नदी की तुलना में समुद्री जल का घनत्व, डेंसिटी जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण से जब नाव यहां पर जाती है तो इसका तल थोड़ा ऊपर हो जाता है। क्लियर। तो यही बात कहा गया कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का स्तर जो है वो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होता है। तो समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका उधर्व दबाव अधिक हो जाता है और जहाज का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, ये समुद्री पानी में नदी की तुलना में अधिक घनत्व होने का कारण क्या है?
क्योंकि यहाँ लवणता अधिक होती है, नदी की तुलना में समुद्री जल की लवणता अधिक होती है, जिसके कारण से डेंसिटी अधिक होता है समुद्री जल का, और यहाँ पर तैरना बहुत आसान होता है इसके अधिक डेंसिटी के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है? अब ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। ध्यान दीजिएगा, पहली बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो सरकार डायरेक्ट जिस व्यक्ति से वसूल करती है उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से जिससे वसूल करती है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में बात कर लेते, केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा होता है। आयकर, व्यय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर और अस्थि कर। ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान रखेंगे, खूब बार ये क्वेश्चन पूछता है। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो गैर शहरी अचल संपत्ति कर, होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर और पथ कर, टोल टैक्स जिसे कहा जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, प्रत्यक्ष कर है। क्लियर। अब केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। क्लियर। जबकि राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, विज्ञापन कर, प्रवेश कर, इसके अलावा शिक्षा उपकर, सत्यवाजी कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ये सभी राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। क्लियर। तो हमने सभी की चर्चा कर ली। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, ना तो केंद्र सरकार पूछा ना तो राज्य सरकार पूछा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है या केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, या राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है या केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर। ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसमें से आय कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासक के द्वारा, धंगदेव, चंदेल शासक धंगदेव चंदेल के द्वारा खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में करवाया गया था। क्लियर। ये खजुराहो मंदिर के सबसे विशाल इसमें जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर, जो शिव के लिए समर्पित है। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित मंदिर है। क्लियर। अब बात करें और ऑप्शन की तो एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्णदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। परमार वंश की अगर बात करें तो इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन थी, इसी को धारा नगरी कहा गया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज था, जिसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर तथा इसके परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। साथ ही इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसने? राजा भोज ने, परमार वंश के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार क्वेश्चन पूछता है, इससे तो संबंधित पूछ देता है कौन सा इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्लियर। किस देश की सहायता से किया गया, कब किया गया, काफी इंपोर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, सभी प्रकार के इस्पात संयंत्र केंद्र का। क्लियर। तो हम कहेंगे राज द बब्बर भीरू, इतना याद रखेंगे, राज द बब्बर भीरू। क्लियर। यही ट्रिक है इसका, पूरा जो है ये क्या कहते हैं इस्पात संयंत्र जो है वो आपको याद रह जाएगा। क्लियर। राज द बब्बर भीरू। क्लियर। अब रा से राउरकेला ध्यान रखेंगे, ज से जर्मनी के सहयोग से, द से याद रखेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से,
फिर बस से याद रखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, फिर याद रखेंगे भी से याद रखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र तो रूस के सहयोग से, क्लियर? तो भीर हो गया, क्लियर है? तो ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं और भी इसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में स्थापित किया गया और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में स्थापित किया गया, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, क्लियर? अब कब जरा ध्यान दीजिएगा किस देश की सहायता से। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सहायता से, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब 1956 से 51 तक चला था, इसके दौरान 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो वर्तमान समय में यह भिलाई इस्पात संयंत्र किधर आ गया, छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान समय में इसका अस्तित्व कहां, छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है, क्लियर? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में वर्तमान समय में भिलाई में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हालांकि मध्य प्रदेश में किया गया था, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यह पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान समय में रूस है इसकी सहायता से स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो 1959 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, क्लियर है? नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड या राउरकेला, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 ईस्वी के दौरान किया गया था 1959 ईस्वी में, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। यहां ट्रिक भी लिख देते हैं, राज द बब्बर भीरू, क्लियर? राज द बब्बर भीरू, भीरू आप ध्यान रखेंगे, रा से याद रखेंगे राउरकेला, किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, क्लियर? द से याद रखेंगे दुर्गापुर, दुर्गापुर और किसके सहयोग से, ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से, क्लियर? फिर बस से याद रखेंगे बोकारो, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से वर्तमान समय में। भी से याद रखेंगे भिलाई, यह भी किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में स्थित है, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, लेकिन इसका उत्पादन केंद्र 1962 ईस्वी में, स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, लेकिन इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ 1962 ईस्वी में। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था 1961 से 1966 ईस्वी के दौरान 1964 ईस्वी में, क्लियर? तत्कालीन बिहार राज्य जो कि वर्तमान में झारखंड में चला गया, बिहार का विभाजन हो जाने के बाद वर्तमान समय में यह बोकारो इस्पात संयंत्र कहां है, झारखंड में है, यह पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था इसकी स्थापना, क्लियर? तो सही आंसर होगा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ जिसे वर्तमान समय में रूस कहा जाता है इसकी सहायता से किया गया था 1964 ईस्वी में, स्थापना तत्कालीन बिहार में वर्तमान समय में झारखंड में स्थित है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना काल यानी 1969 से 1974 में स्थापित जो इस्पात संयंत्र थे वह सलेम इस्पात संयंत्र जो सलेम तमिलनाडु में स्थित है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्थित है, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के होस्पेट बेल्लारी जिला में स्थित है। ये तीनों ही इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था, क्लियर? उसी का संक्षेप रूप में लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर अगर रखा गया है तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, प्रकृति प्रतिबिंब की कैसी होगी। तो जरा इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये एक न्यूमेरिकल है। अब दिया हुआ है आपका अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के लिए पहले लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, क्लियर? अवतल लेंस के लिए u बराबर लिखेंगे वस्तु की दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, यहीं पर लिख देते हैं वस्तु दूरी को u से सूचित किया था, तो वस्तु दूरी जो है वो दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो चूंकि अवतल लेंस है तो इसमें माइनस वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी माइनस में, तो 10 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा, क्लियर है?
फोकस अवतल लेंस है तो फोकस भी इसमें माइनस हो जाता है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्लियर। अब लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, क्लियर, क्योंकि आवर्धन हमें पूछ रहा है, तो यू ज्ञात है, एफ ज्ञात है, लेकिन भी हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आवर्धन को निकालने हेतु हम लोग आवर्धन बराबर भी बट्टा ईयू करते हैं, क्लियर, भी बट्टा ईयू आवर्धन बराबर, तो हमें भी ज्ञात रहेगा तभी तो लेंस सूत्र लगाएंगे, तो लेंस सूत्र होता है वन बट्टा भी माइनस वन बट्टा ईयू बराबर वन बट्टा एफ, क्लियर। अब वन बट्टा भी बराबर इधर ही रख लेंगे वन बट्टा एफ, अब प्लस वन बट्टा ईयू उधर हो जाएगा, वन बट्टा एफ का मान दिया हुआ है कितना माइनस 20 सेंटीमीटर, और प्लस वन बट्टा ईयू बराबर कितना दिया हुआ है आपका माइनस 10 सेंटीमीटर, तो माइनस 10 सेंटीमीटर कर लीजिए, अब इसको लिख दीजिए माइनस 1 बटा 20 और प्लस माइनस माइनस 1 बटा 10, हम एलसीएम ले लेंगे क्या, 20 को माइनस 1 हो जाएगा और यहां माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि 10 दूना 20, अब यहां बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 3 बटा 20 हो जाएगा आपका वन बट्टा भी, तो वन बट्टा भी बराबर माइनस 3 बट्टा 20 आ गया, तो हम भी बराबर कितना लिख सकते हैं 20 बट्टा 3 माइनस, क्लियर। अब आवर्धन हमको ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आवर्धन बराबर भी बट्टा ईयू होता है, भी का मान हमें दिया हुआ है, क्लियर, भी का मान कितना दिया हुआ है तो माइनस 20 बट्टा 3, क्लियर। और ईयू, ईयू का मान भी हमें दिया हुआ है कितना माइनस माइनस 10, यही तो दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 10 दूना 20 हो गया, अर्थात 2 बट्टा 3, इसका मतलब क्या होगा 1.66, इतना ही हो गया आवर्धन बराबर। अब चूंकि आवर्धन जो है, यहां आवर्धन जो है एक से कम है, आवर्धन बराबर एक से कम है, अब जब आवर्धन बराबर एक से कम है इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा प्रतिबिंब होगा, आवर्धन एक से कम होगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दो कथन दिया हुआ है, बता रहा है, पूछ रहा है पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में, पहला कथन है पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट्स कहलाता था, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता था, ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्लियर। अब जरा समझिएगा इसको डिटेल से, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से पूरा पाषाण काल की बात करेंगे यानी पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, तो यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव विकास यानी लगभग 10 लाख ईसा पूर्व में मानव विकास हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में भी मानव का विकास शुरू हो गया था, क्योंकि इसका एज, पूरा पाषाण काल का एज कितना था 20 लाख वर्ष से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12000 वर्ष तक माना जाता है, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि इस मानव के उत्पत्ति यानी मानव का विकास जो हुआ इसी पूरा पाषाण काल में शुरू हो गया था, इस काल में लोगों के जीविका का मुख्य आधार शिकार कर रहा था, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था, कभी कभी लोग इन स्थानों पर अधिक समय तक रहा करते थे, कभी कभी निवास भी कर लेते थे, क्लियर। भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण औजार की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। भारत में पूरा पाषाण के उपकरण का अवशेष राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में मिला है। पाषाण कालीन उपकरण निर्माण हेतु मुख्य दो तरह का तकनीक इस्तेमाल किया जाता था, पहला वह तकनीक होता था इसको पत्थर से पत्थर टकराना यानी इंटिंज स्टोन टू स्टोन कहा जाता है, इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे और औजार तैयार कर लिया जाता था। दूसरा तकनीक तो था
इसे दबाव सर्क तकनीक यानी प्रेशर प्लैकिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रोध को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोध पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से सल्क निकाल दिया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया जाता है, नुकीला बना दिया जाता था। क्लियर। प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज पल्लावरम तमिलनाडु नामक स्थान में हुई थी। कितनी बात पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अच्छा उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दोनों ही कथन जो है उसका सही हो जा रहा था, दोनों ही कथन जो है वो पुरापाषाणकालीन पाषाण औजार के बारे में सही कथन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? अब वस्तु की मात्रा किसको कहते हैं? वस्तु की मात्रा का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी वस्तु की मात्रा को बदल भी देंगे तो क्या स्थिर रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? नहीं बदलेगा, आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलने की ही बात कर रहा है, मात्रा मतलब द्रव्यमान। लेकिन घनत्व डेंसिटी जो होगा वो वस्तु का नहीं बदलेगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की मात्रा परिवर्तित करने पर उसका आयतन भार और द्रव्यमान तो परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसके घनत्व यानी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होता है जब आयतन और द्रव्यमान परिवर्तित होता है। क्लियर। उदाहरण के लिए समझेंगे, पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, इसलिए पारा जो होता है वो लोहे से अधिक भारी होता है, इसलिए लोहे के सिक्के या लोहे की कोई भी वस्तु पारे में डालने पर पारा के ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि लोहा का घनत्व जो होता है पारे की तुलना में कम होता है। क्लियर। चाहे तो लोहे की मात्रा 10 किलो का ही नहीं रख दे, अब आप पहले 100 ग्राम रख रहे थे लोहा, पारा में डुबा रहे थे तो पारा में तैर रहा था लोहा, क्योंकि लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है तो पारा पर तैरता है। अब ऐसा है कि 10 किलो लोहा भी अगर आप ला के दे दीजिएगा पारे पर, फिर भी वह तैरेगा ही, क्योंकि उसका घनत्व स्थिर रहता है। क्लियर। तो घनत्व किसी भी पदार्थ का वस्तु का स्थिर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर रहा है? बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में दो स्तर पर निकाला गया है, तो बड़े राज्यों में स्थिर स्तर पर जो रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है। बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक शिकायत के समाधान करने में बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसके शिकायतों की संख्या 17,500 से अधिक थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 63.90% शीर्ष स्थान पर अर्जित किया है। इस मामले में झारखंड दूसरे स्थान, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर झारखंड जो 48.95% स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान रहा जिसका स्कोर 43.53% रहा। वही बात करें छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर सिक्किम रहा जिसका स्कोर 66.70% रहा, छोटे राज्यों में दूसरे स्थान पर असम रहा जिसका स्कोर 57.45% रहा, और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों में रहा जिसका स्कोर 52.30% रहा। अब बात किया जाए ओवरऑल, बड़े राज्यों छोटे राज्यों में न बात किया जाएगा, ओवरऑल बात किया जाएगा कि भारत में सार्वजनिक शिकायत समाधान के मामला में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो ध्यान दीजिएगा सिक्किम को मिला है, क्योंकि इसका स्कोर 66.70% जो उत्तर प्रदेश से भी अधिक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य कहने का मतलब सत्य और अहिंसा था। राम राज्य का मतलब गांधी जी के राम राज्य युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा में निहित है। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण मानते थे। सत्य एवं अहिंसा समाज में भेदभाव को समाप्त करते हैं, भेदभाव जैसी कुरीति के दूर होते ही समाज राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही समाज को सभी प्रकार की कुरीतियों, कष्टों एवं आर्थिक कमजोरियों से निजात दिलाकर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर देता है। तो महात्मा गांधी का राम राज्य कहने का मतलब था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुकी लात के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, झुकी लात क्या है? क्लियर। तो झुकी हुई लात का मतलब, लात का मतलब होता है मीनार, लात का मतलब होता है मीनार, तो झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। इटली में पीसा की प्रसिद्ध मीनार जिसे ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा, झुकी लात का पीसा कहा जाता है। इसका निर्माण 1173 ईस्वी में बननी शुरू हुई थी, लेकिन इस मीनार को पूरा होने में 200 साल लग गए थे तथा
टोमासो पिसानो ने 1399 ईस्वी में इस टावर का काम पूरा किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा? भुगतान संतुलन का मतलब होता है निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य में कमी हो जाना, इसी को भुगतान संतुलन के तौर पर जाना जाता है। वैसी अवस्था जब आयात की अपेक्षा निर्यात ही अधिक हो जाए, आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो जाए, यानी आयात कम जाए और निर्यात अधिक हो जाए। यदि निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य में कमी कर दी जाए तो हमें आयात का भुगतान निर्यात की अपेक्षा कम करना होगा, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन एक शब्द आता है व्यापार संतुलन, ये तो भुगतान संतुलन हो गया जिसमें निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी हो जाती है। क्लियर है। अब एक व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन के मतलब जब दो देशों के बीच आयात और निर्यात पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, बराबर की स्थिति हो गया है, तो ऐसे स्थिति में व्यापार संतुलन की स्थिति कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम अस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जहां पर टेलकॉम यानी अस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज की मात्रा पाई जाती है, यह शंकरपुर मुंगेर में स्थित है। क्लियर। इसके अलावा बिहार के गया नवादा में भी सेल खड़ी, जिसको कहा जाता है टेलकॉम यानी अस्टेटाइट जो है सेल खड़ी है, सेलखड़ी खनिज गया और नवादा में भी बिहार में पाया जाता है मुंगेर के अलावा। इस खनिज का उपयोग कागज, वस्त्र, रबड़, पेंट, बर्तन तथा श्रृंगार से संबंधित सामग्री के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब है ए और बी को दिए गए वोल्टेज क्रमशः जो वोल्टेज है वो 100 वाट का है और 25 वाट रेट किया गया है। क्लियर। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं प्रतिरोध। शक्ति बराबर आप जानते हैं, शक्ति यानी पी पावर बराबर होता क्या है, ही स्क्वायर बट्टा आर, यही होता है पावर। कहने का मतलब हिंदी में कहेंगे तो विभवांतर का स्क्वायर, विभवांतर का स्क्वायर अब बट्टा प्रतिरोध रेसिस्टेंस। क्लियर। यही होता है शक्ति यानी पावर। क्लियर है। अब पी इंटू आर बराबर वी स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं? P into R, ER बट्टा में तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो P into R बराबर VR स्क्वायर, ये क्या है? नियत है। क्लियर। अब P into R, P1 into R1 बराबर क्या हम इधर कर सकते हैं, चूंकि नियत है, अब कर सकते हैं P2 टू अगुने आर टू। क्लियर है। यही पर R1 बटे R2 कर सकते हैं, P2 टू बटे P1। क्लियर है। P2 का मान आपको कितना दिया हुआ है? 25 वाट। और P1 का मान कितना दिया हुआ है? 100 वाट। क्लियर। 25 चौ 100, अर्थात अगर कहेंगे तो 1 बट्टा 4 आ गया बराबर R1 बट्टा R2 बराबर, यानी 1:4 आपका सही आंसर रेसिस्टेंस का हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से कौन सा है? तो आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रीन। अब समझिएगा, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है, आइसोप्रीन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पॉइंटेड चीजों को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकल के आता है। क्लियर। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हुबहू आ जाए, हो सकता है जो डिस्कशन हम लिख रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन निकलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा डिस्कशन को, और इसीलिए हम कहते हैं कि पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि पीडीएफ लेके आओ उसके बाद टेलीग्राम चैनल से हट जाएंगे, तो बाद में जो फायदा वाला चीज उसमें डालेंगे कलेक्शन के रूप में क्वेश्चन को, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, फिर चिल्लाते रहेंगे कि हाँ क्वेश्चन दीजिए, नहीं मिल पाएगा फिर क्वेश्चन। क्लियर। तो उससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा चीज आपको हम उसमें देंगे, अच्छी ही चीज आपके लाइफ के लिए भविष्य के लिए ही देंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहे। निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम्स के लिए हम उसमें और कंटेंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें मैसेज करते हैं, कोई कमी रहता है उसको दूर करने के लिए हमें कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा भी आप लोग परिवर्तन भी करने के लिए कहते हैं, जैसे कि 25 क्वेश्चन का साइंस का सेट लाने के लिए, लुसेंट का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देने के लिए, इसी प्रकार से बहुत सारे चीजों को हम लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ रहिए, आप हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए, तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए सारे कंटेंट को एक यूनिक तरीका से पेश करेंगे आपके लिए। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन के मोनोमर
2-methyl-1,1,3-butadiene से प्राप्त होता है। आइसोप्रीन या 2-methyl-1,1,3-butadiene एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। क्लियर। प्राकृतिक रबर एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है, ध्यान देंगे। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया बाल्कनीकरण यानी बाल्कनाइजेशन कहलाता है। सल्फर के साथ मिलाकर गर्म कर दिया जाए प्राकृतिक रबर को, इसी को वल्केनाइजेशन यानी बाल्कनीकरण कहा जाता है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का प्रयोग दस्ताना रबर बैंड बनाने में किया जाता है। बाल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज चार्ल्स गुडइयर के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब टायर इत्यादि में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित आकार प्रदान करना है प्राकृतिक रबर को, तो सल्फर मिलाकर गर्म कर दिया जाता है। क्लियर। इसे बल्कनाइजेशन कहा जाता है, बल्कनीकरण कहा जाता है। और अगर इस प्राकृतिक रबर को हम कठोर करना है हमें, तो इसमें कार्बन मिला दिया जाता है और उसके बाद इसका प्रयोग ट्यूब के रूप में, टायर के रूप में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत पाटिल समिति किससे संबंधित है? जयंत पाटिल समिति, खूब अच्छा क्वेश्चन। जयंत पाटिल समिति का संबंध जो है वो अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। जयंत पाटिल समिति यह सूखा क्षेत्र के विकास कार्य के 25 वर्षीय भावी योजना तैयार करने हेतु जयंत पाटिल समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य जयंत पाटिल को बनाया गया था, अतः इन्हीं के नाम पर जयंत पाटिल समिति बना। क्लियर। तो ये 25 वर्षीय भावी योजना है सूखा क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब ये नवनियतिवाद क्या है? तो रूपो और जाओ नियतिवाद, इसे ही कहा जाता है। नवनियतिवाद को कई कई क्वेश्चन आपको दे देगा। रूपो और जाओ नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ध्यान देंगे, यह अवधारणा का प्रतिपादन पहली बार ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने 1920 ईस्वी में किया था। इस अवधारणा के अनुसार वातावरण के कई तरीकों से संभावनाएं प्रस्तुत करता है और प्रत्येक विकल्प के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रिफिथ टेलर ने तर्क दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में कृषि बस्तियों की सीमा भौतिक पर्यावरण के कारकों जैसे वर्षा के वितरण द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार मनुष्य किसी देश या क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने, धीमा करने या रोकने में सक्षम है। इसने एम की तुलना एक बड़े शहर के यातायात नियंत्रक से की है, जो गति तो बदलता है लेकिन प्रगति की दिशा इसमें नहीं बदलती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भूगोल में एम की तुलना एक बड़े शहर के यातायात नियंत्रण से किसने की है? वही आ जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने की है। निश्चयवाद की अगर बात करें, बाकी वैज्ञानिकों की बात करें, तो इन्होंने निश्चयवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यह निश्चयवाद क्या है? तो इनके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता बहुत ही कम होती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे रिटर रैट्जेल, जिन्हें नवीन निश्चयवाद का संस्थापक माना जाता है। रैट्जेल को एलन सेमपूल और हटिंगटन ने निश्चयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित इसमें से नहीं है? ऑप्शन है व्यास, उग्रशर्मा, लोमहर्ष और मंखक। मंखक जो है वो पुराणों के संकलनकर्ता से संबंधित संकलन को नहीं किया था। मंखक पुराणों के संकलनकर्ता नहीं थे। इसका इनमें नाम आता है व्यास का, उग्रशर्मा और लोमहर्ष का। ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक। तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है वर्तमान समय में। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। पुराणों की कुल संख्या की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है इसको याद करना, 18 पुराणों को याद करना। तो पहले ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, तो ब्रह्मांड पुराण, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण, वैसे दो गो, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, ये तीन गो हो गया। वैसे ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा भविष्य पुराण, उसके बाद भागवत पुराण, और भागवत में भगवान कृष्ण की चर्चा है, भगवान विष्णु की चर्चा है। तो भगवान विष्णु का उपासक कौन? गरुड़, तो गरुड़ पुराण। अब भगवान विष्णु ने कई रूप धारण किया, तो विष्णु पुराण हो गया। कई रूप धारण किया जैसे वराह, वामन, मत्स्य, कुर्रम, तो ये सभी जो है वो पुराण में आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण,
भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, कुरम पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और नारद पुराण, यही 18 पुराण है। इनमें से 5 पुराण जिसमें विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है खूब क्वेश्चन पूछता है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है, भागवत पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। ये 5 पुराण विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इसमें राजाओं की वंशावली की चर्चा की गई है। क्लियर। मत्स्य पुराण सबसे पुराना एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। सबसे पहले पुराण एक ही था, इसी से अन्य पुराण बने हैं, मत्स्य पुराण में कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था। विष्णु पुराण के अनुसार व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष ऋषि को दी थी तथा उग्र शर्मा लोमहर्ष के पुत्र थे, ये भी पुराणों के संकलनकर्ता से जुड़े हुए थे। क्लियर। मंखक की बात करें तो कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे, इन्होंने श्री कंठ चरित्रम महाकाव्य तथा मंखकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर। तो ये कहीं से भी पुराण से संबंधित मंखक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन उस संकट का प्रमुख कारण रहा था? ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति या विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर। बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है बाहरी ऋण का उच्च स्तर की घटना। बाहरी ऋण का उच्च स्तर हो जाने के कारण 1991 ईस्वी में आर्थिक संकट भारत में उत्पन्न हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये 1991 ईस्वी का आर्थिक संकट जो है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसी आर्थिक नीति में, इसी आर्थिक संकट में घोषणा किया गया था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। एलपीजी तीन शब्द का गठन, एलपीजी तीन शब्द का गठन किया था तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1991 में भारत का विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इसी कारण से 1991 में आर्थिक संकट पैदा हुआ था। क्लियर। और इसी संकट के दौरान एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। अब विदेशी कंपनियों को निर्यात करने के लिए भारत में निमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो बिहार राज्य सरकार की एक पहल है जल जीवन हरियाली मिशन। ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही योजना का मुख्य लक्ष्य था। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अभियान के तहत राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिसमें उन्हें तालाब, कुओं, खेती की सिंचाई का कार्य में दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। यही है जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग जो है वो फूड प्रोसेसिंग या खाद्य के संरक्षण में किया जाता है। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो C6H5COOH होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खाद्य संरक्षक में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम Na2CO3×10H2O होता है। इसे धोबन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सामान्य लवण होता है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की कठोरता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल में अति विलेय होता है। क्लियर। एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो CH3COOH एसिटिक एसिड होता है जिसे एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एक कार्बनिक अम्ल होता है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद तथा तीखी खुशबू आ जाती है। सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है।
इसे चीनी साल्ट पीटर भी कहा जाता है क्योंकि चीनी में इसके विशाल भंडार, चीनी देश जो है ना दक्षिण अमेरिकी देश चिली, यहाँ पर इसका काफी भंडार पाया जाता है, जिस कारण से इसे चीनी साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वीं जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ ध्यान देंगे गेमिंग है, क्लियर, इसको सुधार करके गेमिंग, गेमिंग का किस जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित किया कर दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 50वीं जीएसटी काउंसिल नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों का चार स्लैब जो है वो विभाजित है, चार स्लैब के रूप में विभाजित है, एक 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 8% जीएसटी और 28% जीएसटी, ये ही चारों स्लैब है भारत में जीएसटी के लिए, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रमुख विशेषता जो जीएसटी 50वीं जीएसटी बैठक हुई उसकी मुख्य विशेषता क्या रही, तो जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट दे दिया गया है। बिना पकाए बिना तेल बाहर निकाले गए स्नेल स्नेक पैलेट पर जीएसटी दर 18% से 5% कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर अब 18% कम करके 5% जीएसटी लगाया जाएगा। गेमिंग घुड़दौड़ और कैसीनो के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी दर लगाई गई है। नकली जरी धागे की कीमत 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, क्लियर। तो ये सब पॉइंटेड बातें रही, मुख्य विशेषता रहा 50वीं जीएसटी काउंसिल का, जिसमें ध्यान देंगे गेमिंग पर, घुड़दौड़ पर और कैसीनो के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी को लगाए जाने का प्रावधान किया गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में श्री कृष्ण साइंस सेंटर कहाँ स्थित है, तो बिहार के पटना जिले में श्री कृष्ण साइंस सेंटर स्थित है। पटना में भारत में विज्ञान, एक विज्ञान संग्रहालय है जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1978 ईस्वी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्यों, इससे क्या होता है। बड़े बांध का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है, ये भी सही है, सबसे प्रमुख तो यही है। अधिकाधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है, ये भी सही है। इनमें से सभी कथन जो है वो सही हो जाएगा, बड़े बांध के बनाने के लिए विरोध करता है इसीलिए, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और पर्यावरणीय कारण सभी होते हैं। सामाजिक कारण में आ जाता है, समाज के एक बहुत बड़े जनसंख्या के व्यवस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजा जाता है। आर्थिक समस्या में क्या हो जाता है, तो बांध निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है जबकि कुछ अनुपात में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और प्रभावित लोग आर्थिक रूप से और अधिक पिछड़ते चले जाते हैं। पर्यावरणीय समस्या क्या होता है, तो बड़े बांध निर्माण से बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधताएं की क्षति हो जाती है, भूकंप इत्यादि की घटनाएं घटती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किनका था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, इसी इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक में इन्होंने कहा है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही कथन था, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। मोहम्मद इकबाल का नारा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। महात्मा गांधी का कथन था, भारत छोड़ो करो या मरो हे राम, तथा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकती है। सरदार पटेल का नारा था, कर मत दो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है, कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है, तो पेंशन तथा बीमा के लाभ को उपलब्ध कराती है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। यह है क्या जरा समझिएगा, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना था, साथ ही इन्हें भी पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने हेतु श्रमिकों को वर्ष में मात्र, जो श्रमिक वर्ग के लोग होंगे उनको मात्र 365 रुपया एक वर्ष में, यानी एक रुपया पर डे के हिसाब से उनको देने होंगे। इसके बदले में केंद्र सरकार उन्हें 730 रुपया प्रदान करेगी, यानी दुगनी राशि प्रदान करेगी। इस योजना को 1 जुलाई 2001 को आरंभ किया गया था। यह जीवन बीमा सुरक्षा आवधिक एक मुफ्त उत्तरजीविता लाभ और कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है जो 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच होंगे, यानी 18 से 50 वर्ष के
बीच जिनकी आयु होगी और वे किसान हैं तो वे साल में श्रमिक हैं और साल में 365 रुपया जमा करेंगे तो उसके बदले में सरकार उन्हें 730 रुपया की सब्सिडी की वार्षिक प्रदान करेगी। क्लियर। और ये योजना 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ किया गया है। तो ये एक प्रकार का पेंशन और बीमा लाभ योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन है कटहल, गुलर, ऑर्किड या फर्न। तो फर्न जो होता है उसमें फूल नहीं पाया जाता। ये फिलिसिनी वर्ग का एक पादप है फर्न, जो बीजाणुद्भिद होता है। यह जड़ स्तंभ तथा पत्तियों में विभाजित होता था, इसमें फूल नहीं पाया जाता है। इसमें जड़ होता है, स्तंभ यानी तना भी होता है और पत्ती भी इसमें होता है, लेकिन इसमें फूल नहीं होता है। फर्न जो होता है उसमें स्तंभ भूमिगत राइजोम होता है जो भूमि में तिरछा उगता है तथा उसका केवल अग्रभाग भूमि से बाहर निकलता रहता है। इसका राइजोम का पुराना भाग अनेक पर्वतधारों पर ढका रहता है तथा इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकली रहती है। फर्न की विशेषता है कि पत्तियां तरुण अवस्था में यानी छोटी अवस्था में कुंडलित होती है और घड़ी के कमानी के समान मुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा कटहल, गुल्लर और आर्किड जो है दिया हुआ ऑप्शन, उसमें फूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेन सूचकांक का संबंध इसमें से किससे है? चार ऑप्शन आपका, निर्धनता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा। तो सेन सूचकांक जो है वो निर्धनता से संबंधित है। समझिएगा क्या है, निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रयास किया है। निर्धनता के आकलन हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे ही सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो किनके नाम पर? अमर्त्य सेन के नाम पर इनका नाम सेन सूचकांक रखा गया, जो निर्धनों के लिए जो निर्धन है उसके आकलन के लिए सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण एक विकल्प के तौर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने नौसेना की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेनिश फर्म नवंतिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्सन एवं टुब्रो कंपनी जो है उसने नौसेना की P75 मतलब प्रोजेक्ट 75 जो भारत की योजना है कि पनडुब्बी परियोजना में भाग लेने के लिए स्पेन स्थित नवंतिया के साथ एक टीमिंग समझौता पर हस्ताक्षर किया है और इसके लिए एक तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत किया गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है जरा समझिएगा। तो भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास स्कॉर्पिन क्लास हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना इसमें की गई है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन क्लास के तहत पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदक प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में थाई पूसल त्योहार मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल लोगों के द्वारा तमिलनाडु में थाई पूसल त्योहार मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जो दक्षिण भारत के तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है जिसमें भगवान मुरुगन मतलब कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। क्लियर। थाई पूसल उत्सव हर वर्ष थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाता है जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी एवं फरवरी महीने में आता है। क्लियर। अब कुछ राज्य के प्रमुख पर्व एवं त्योहार देख लेते हैं, उससे संबंधित राज्य देख लेते हैं। तो आदि पूरम महोत्सव जो ऑप्शन में दिया हुआ आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश का तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो पहला जो आंसर है तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। रथ सप्तमी उत्सव, थाई पूसम उत्सव, उगादी उत्सव, संक्रांति या पेद्दा पाडुंगा उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर। तमिलनाडु की बात करें तो आदि पूरम महोत्सव, जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओनम, त्रिशूर पूरम उत्सव, मकर बिलक्कू त्योहार, कल्पथी रथ त्योहार, सेयल उत्सव तथा अट्टुकल पोंगल ये केरल में मनाया जाने वाला पर्व या त्योहार है। जबकि ओडिशा में बोईता वंदना महोत्सव, धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेदशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। पहला जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, राजा जयसिंह या इसी को जयसिंह द्वितीय कहा जाता है ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंबर राज्य के राजपूत शासक हुआ करते थे। वे गणित, वास्तुकला एवं खगोल विज्ञान के बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयों का निर्माण किया और उनका नाम जंतर मंतर रखा। इन्होंने राजा मोहम्मद शाह की अनुमति से भारत में
दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया, अर्थात जंतर मंतर का निर्माण किया। राजा जयसिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी, अतः इनको सवाई मानसिंह जयसिंह कहा जाता है। क्लियर? किसने दिया? औरंगजेब ने दिया था। जबकि मुगल बादशाह मोहम्मद साजी से रंगीला बादशाह कहा जाता था, इन्होंने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दिया था। पहली वेधशाला का निर्माण जयसिंह के द्वारा 1725 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। इसके 10 वर्ष बाद अर्थात 1735 या 34 से 35 ईस्वी में जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण दूसरा किया गया, जबकि तीसरा 15 वर्ष के बाद 1748 ईस्वी में मथुरा यानी मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहला बांध कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। दाहला बांध जो है वो अफगानिस्तान में स्थित बांध है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहबलीकोट जिले में स्थित अरघान दाब नदी पर यह दाहला बांध स्थित है। अतः अरघान दाब बांध के नाम से भी, क्योंकि अरघान दाब नदी पर स्थित है, अतः इसका नाम भी अरघान दाब बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध का निर्माण 1952 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में किया गया था। क्लियर? अफगानिस्तान में भारत के द्वारा बनाया गया कुछ बांध है जिसका जरा नाम याद कर लेते हैं, तो सहतूत बांध जो काबुल नदी पर है, तथा अफगान भारत मैत्री बांध जिसे सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो दो बांध, सहतूत बांध जो काबुल नदी पर स्थित है और अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दोनों ही बांध भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जन्म जिस समय हुआ उस समय से लेकर 7 दिन के भीतर बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए बच्चों में। बीसीजी का टीका तपेदिक व क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। सामान्यतः बच्चों के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर ही यह टीका नवजात शिशु को लगवा देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की बीमारी गंभीर बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। यूरिन कॉलमेट में बेसिलस कैलिमर यूरिन, जिसे बीसीजी कहा जाता है, बेसिलस कैलिमर यूरिन के टीके की खोज किया था। किसने? कॉलमेट ने, यूरिन कॉलमेट ने किया था, इसलिए इसका नाम बीसीजी अपने ही नाम पर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? वह कौन सा है? तो ध्यान देंगे, वह है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो प्रोसेसर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, जिसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक चिप होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? और यह जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले 1970 ईस्वी में बनाया गया था। कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी एक गणना करने वाली यूनिट या चिप होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन पवन। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन पवन। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अक्टूबर 1987 ईस्वी में भारत शांति रक्षक सेना IPKF का मतलब होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। यह भारत में अक्टूबर 1987 ईस्वी में इस सेना का गठन किया गया, तो द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियंत्रण वाला, लिट्टे का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, एक क्षेत्र है श्रीलंका में, तो लिट्टे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नाम दिया गया था। 3 हफ्तों तक चले इस अभियान में IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने जाफना को तो लिट्टे से मुक्त करा लिया, परंतु इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी थी। क्लियर? तो यह जो श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में IPKF द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था श्रीलंका में लिट्टे वाला क्षेत्र में, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम कहा जाता है, कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। क्लियर? जो एक आतंकवादी गतिविधि से वह क्षेत्र घिरा हुआ था उसको आजादी दिलवाया था किसने? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 ईस्वी अक्टूबर महीने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2023 में किन दो संस्थाओं ने स्थायी वित्त पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खूब अच्छा क्वेश्चन है यह, जो है
IFSCA और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, IFSCA और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव जो है ये दोनों संस्था ने मिलकर स्थायी वित्त पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण होता है तथा क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव CPI यानी क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्थायी वित्त पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव यानी CPI एक विशेष और सलाहकारी संगठन है जो दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और भूमि उपयोग प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। CPI का मिशन है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए सरकारों, सरकारी व्यवसायियों और वित्तीय संस्थानों को आर्थिक विकास में मदद करना। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित कर देता है? तो ब्राइट्स रोग जो होता है वो गुर्दा यानी किडनी को प्रभावित कर देने वाला एक प्रकार का रोग होता है। इसे नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह गुर्दे में संरचनाओं की सूजन जो मूत्र का उत्पादन करती है उससे संबंधित होता है, यानी गुर्दे में जो सूजन उत्पन्न हो जाता है उसे ब्राइट्स रोग कहा जाता है। इसे यूरेनिया भी कहा जाता है। ब्राइट रोग के लक्षणों का वर्णन सबसे पहले 1827 ईस्वी में अंग्रेज चिकित्सक रिचर्ड ब्राइट के द्वारा किया गया था, जिसके नाम पर इस बीमारी का नाम ब्राइट डिजीज रखा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी युक्ति से जिसे नेत्र तकनीकी युक्ति है सॉरी तकनीकी युक्ति है तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहा जाता है, इसके बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन दिया हुआ है? नेत्र के बारे में कौन सा सही, तो सबसे पहले समझेंगे नेत्र। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आतंकवादी एवं विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष मानव रहित विमान का विकास किया है। करीब 1.5 किलोग्राम भार का यह मानव रहित विमान नेत्र के नाम से जाना गया। यह IDO फोर्ज और DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला R&D के गठजोड़ का एक परिणाम है कि नेत्र का विमान बनाया गया, मानव रहित विमान है नेत्र। यह 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम विमान है। तो सही आंसर होगा यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकने में सक्षम होता है। यह किसके द्वारा? DRDO के द्वारा बनाया गया है नेत्र को। क्लियर। और इसके अलावा IDO फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा टेलनेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है, जिसका अर्थ टेलीफोन नेटवर्क होता है। ध्यान रखेंगे टेलनेट का पूरा रूप क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क या टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल होता है। किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डेटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलनेट ही देता है या रिमोट लॉगिन कहलाता है यही। क्लियर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? खूब इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप 2016। तो फ्रेंडशिप 2016 जो है वो रूस और पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धा अभ्यास था जो 2016 में हुआ था, जिसे फ्रेंडशिप 2016 नाम दिया गया था। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 24 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2016 के मध्य पाकिस्तान के सिरात इकाई के रत्तू बेस पर किया गया था। इसमें करीब 70 रूसी और 130 पाकिस्तानी सैनिक ने भाग लिया। युद्ध अभ्यास को दिया गया नाम शीत युद्ध के दौरान वे दोनों देशों के बीच रहे तनाव के खत्म होने का संकेत रहा था। यह रूस और पाकिस्तान की सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास था फ्रेंडशिप 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक का स्तंभ लेख, अब ध्यान दीजिएगा अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 थी। पहली बात समझिएगा इसे, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जिसे कौशाम्बी अभिलेख, ध्यान दीजिएगा कौशाम्बी अभिलेख जो पहले कौशाम्बी में स्थित था अशोक का, उसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किला में लाकर स्थापित किया गया था, तब से इसे इलाहाबाद का किला के नाम से जाना गया। इस इलाहाबाद के किले में प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन करते हुए किया है। क्लियर। इसलिए इसे समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी रचना लगभग 1700 वर्ष पूर्व में, अभी से लेकर 1700 वर्ष पूर्व जाएंगे तब इसकी रचना हुई थी। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रशंसा, तो इसमें प्रशंसा करने के लिए संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के प्रशंसा करने के लिए हरिशयन के द्वारा लिखा गया था। इस प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, साथ ही इसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर तथा योद्धा एवं उत्कृष्ट कवि यानी कविराज के रूप में भी प्रशंसा किया गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक रहा, 380 ईस्वी तक शासन किया था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था, अतः इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा भी दिया जाता है। क्लियर। इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। क्लियर। परम भागवत की उपाधि धारण किया था, और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश के शासक यही समुद्रगुप्त था। क्लियर। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने में यह बड़ा निपुण था, इसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात तो अच्छा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातोत्पाद, जिसे हिस्टीरिया कहा जाता है अंग्रेजी में और हिंदी में बातोत्पाद कहा जाता है, यह रोग सामान्यतः किस वर्ग से संबंधित होता है? विवाहित महिला को होता है, बूढ़ी महिला को होता है, जवान महिलाएं को होता है, या जवान पुरुष और महिलाएं दोनों को? ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर यह जवान महिलाओं को प्रभावित करने वाला रोग होता है, हिस्टीरिया रोग, हिंदी में इसे बातोत्पाद कहा जाता है। यह उन महिलाओं को होता है जो युवावस्था में होती है, जिनमें वैसी भी महिलाएं होती है, वैसी महिलाएं ज्यादातर होती है जो अविवाहित होती है, लेकिन संभावना यह भी होता है कि विवाह हो जाने के बाद यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कपकपी लगना, चक्कर आना, सांस लेने में समस्या या मुंह में जकड़न जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह बीमारी एक प्रकार का साइको न्यूरोसिस है और यह किसी जैविक या संरचनात्मक विकृति पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करने हेतु आवरण न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? वन आवरण, यहाँ पर ध्यान देंगे वन आवरण कितना होता है, तो ध्यान देंगे 33% वन आवरण का होना पर्यावरण के लिए उचित माना जाता है। क्लियर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 33% भूमि क्षेत्र को अंतर्निहित किया जाना चाहिए, यह एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आदर्श स्थिति है, अन्यथा अनियमित बाढ़ वर्षा और वनस्पतियों और इससे सारे प्राकृतिक आपदाओं की हानि की उच्चतम संभावना बन जाती है। वन रखरखाव नीति भारत में हेराल्ड का हरित आंदोलन है। वन रखरखाव नीति जो है वो भारत में हेराल्ड का हरित आंदोलन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग के तहत किया गया था इसकी स्थापना। क्लियर। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है, जिसके तहत देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 33% उचित माना जाता है पर्यावरण के लिए, लेकिन भारत में कितना प्रतिशत है? 24.62% है वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैविक विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया था। ध्यान देंगे 11 दिसंबर 2002 को संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का निर्माण संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य को उनके राज्य के भीतर के जैविक संसाधन इस्तेमाल करने का अधिकार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय राज्य को जुलाई 2023 में अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन प्राप्त हुआ है? वो तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO को मंजूरी दी है। यह देश का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन होगा और तमिलनाडु का पहला, जिसे DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने तमिलनाडु के सेलम हवाई अड्डे पर स्थित EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को FTO स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA जो है वो भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए 2020 में भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। DGCA के पूरे देश में 14 क्षेत्रीय कार्यालय है, साथ ही इसके 5 क्षेत्रीय वायु सुरक्षा कार्यालय भी है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में स्थित है। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान महानिदेशक विक्रम देव दत्त हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक इनमें से कौन से थे? तो ध्यान देंगे, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटर मैन को माना जाता है। क्लियर, वाटर मैन को, फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया था वो लेवस एडिसन वाटर मैन के द्वारा 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। वाटर मैन ने अपने इस उत्पाद का पेटेंट जो है वो 1984 ईस्वी में अगले साल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट होते हैं? कंप्यूटर का सवाल है, में कितने आउटपुट होते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसमें कुल 256 आउटपुट, पेरिफेरल आईओ में कुल 256 आउटपुट होते हैं। आउटपुट जो है वो पेरिफेरल डिवाइस, इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यही कहलाता है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर, सीरियल पोर्ट की अगर बात करें तो इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडर्न पुराने कंप्यूटर, माउस और प्रिंटर में किया जाता है, जबकि पैरेलल पोर्ट जो है इसका उपयोग स्कैनर और प्रिंटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख इनमें से किया गया है, किसमें किया गया है? द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें इसमें किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खलवई पूरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय जो पांडियन साम्राज्य थे उसके भूमि माप का उल्लेख खलवई पूरम तांबे की प्लेटों में पाया गया है, मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा खां जो है वो तबला वादक से संबंधित है, तबला बजाते हैं। कुछ वाद्य यंत्र और उसके बाद यंत्र वादक जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सारंगी से संबंधित है उस्ताद बिंदु खां, सारंगी बजाते हैं। पखावत से संबंधित है उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये पखावत बजाते हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक से संबंधित है, तबला बजाते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, उदादित्य मुखर्जी, ये सभी सितार से संबंधित वादक है। क्लियर, 50 क्वेश्चन का सीरीज आज समाप्त होता है। शेष की चर्चा अगले क्लास में जरूर करेंगे, आपके लिए अच्छे कंटेंट जरूर लाते रहेंगे। पीडीएफ जरूर इसका लीजिएगा और उसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि तैयारी हर दिन होना चाहिए, रिजल्ट पीछे ना छूट जाए, इसके लिए अग्रिम तैयारी बहुत ही जरूरी है और लगातार मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर, आज की सेवा को देते हैं विराम, बहुत बहुत धन्यवाद।